हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ मिक्स वेज की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो कि खाने में बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस लगती है और बहुत जल्दी बनके तैयार भी हो जाती है। तो चलिए रेसिपी बनाते हैं। यहाँ मैंने मिक्स वेज बनाने के लिए आयरन की कढ़ाई का यूज़ किया है, जिसको कि मैंने हाई फ्लेम पर चढ़ा दिया है। और इसमें मैंने 2 से 3 चम्मच सरसों तेल डाला है। अगर आप चाहें तो कोई और भी कुकिंग ऑयल यूज़ कर सकते हैं जो आपको पसंद हो। यहाँ मैंने फ़ौरन में सिर्फ और सिर्फ जीरा यूज़ किया है। यहाँ मैंने 1/2 चम्मच जीरा, लगभग 4 से 5 कली लहसुन और 1 बड़े साइज की मिर्ची को मैंने बारीक काट के ले लिया है। जब ये अच्छे से भुन जाएगा तब हम इसमें गोभी डालेंगे। मिक्स वेज में हम सबसे पहले गोभी को डालेंगे, क्योंकि गोभी कुक होने में सबसे ज़्यादा टाइम लेती है। तो जब गोभी थोड़ा अच्छे से कुक हो जाएगा तभी हम इसमें कोई और भी सब्जी डालेंगे। तो इस स्टेज पे आपको फ्लेम हाई ही रखना है और आपको अच्छे से चला के इसे भूंज लेना है थोड़ा सा। गोभी को आपको, जब ये लगे आपको कि थोड़ा बहुत 10% कुक हो गया है, तब आप फ्लेम मीडियम पे कर देंगे और इसे अच्छे से चला लेंगे। आपको इसे चलाते हुए ही अच्छे से फ्राई करना है। जब गोभी हमारा लगभग 30% तक कुक हो जाए तब हम इसमें आलू डालेंगे। आलू को मैंने यहाँ, जैसे लोग नॉर्मल सब्जी बनाते हैं वैसे आलू काटते हैं, तो बस वैसे ही काटा, बस उसको ज़रा सा मैंने छोटा रखा है। अब हम इसे भी अच्छे से इसके साथ फ्राई कर लेंगे। जब आलू और गोभी हमारा अच्छे से कुक हो जाएगा, लगभग आलू भी हमारा 50% तक कुक हो जाएगा, तब हम इसमें दूसरी सब्जियां भी ऐड करेंगे धीरे धीरे, जिसके कुकिंग प्रोसीजर जितनी तेज या कम होगी उस हिसाब से। तो यहाँ जब मेरा लगभग 30-40% आलू कुक हो गया तब मैं इसमें बीन्स ऐड कर रही हूँ। बीन्स को भी कुक होने में थोड़ा ज़्यादा ही टाइम लगता है, जैसे गाजर को थोड़ा कम समय लगता है वैसे ही। थोड़ी देर मैं इसमें बीन्स को चला लूँगी डाल के। जब बीन्स 2-3 मिनट तक पक जाएगा ऐसे ही आलू और गोभी के साथ, तब हम इसमें कोई और वेजिटेबल ही ऐड करेंगे, उससे पहले मैं ऐड नहीं करेंगे। इस स्टेज पे मैं यहाँ कॉर्न ऐड कर रही हूँ। बीन्स को 2 से 3 मिनट चलाने के बाद कॉर्न यहाँ मैंने 1/2 कटोरी लिया हुआ है। आप कॉर्न अपने हिसाब से बढ़ा घटा सकते हैं। जब हम मिक्स वेज बनाते हैं तब हमें सारी सब्जियों के रेशियो को बिल्कुल इक्वल रखना चाहिए, ताकि खाने में सारे का स्वाद बहुत अच्छे से आए। यहाँ मेरी सारी सब्जियाँ लगभग 5 से 7 मिनट तक कुक हो चुके हैं मीडियम फ्लेम पे। यहाँ मैं आलू काट के देख रही हूँ कि अच्छे से कट रहा है कि नहीं। आपको आलू काट के देखना, उसमें थोड़ा सा ऐसा ना हो कि बिल्कुल ही सॉफ्ट हो जाए, उससे पहले ही हमें सारे वेजिटेबल्स डालने हैं। तो यहाँ मैं अनियन डाल रही हूँ और गाजर डाल रही हूँ, और यहाँ मैं साथ ही इसके ही मटर भी ऐड कर रही हूँ। अब मैं सारे वेजिटेबल्स ही ऐड कर दूँगी इस स्टेज पर, क्योंकि हम इन सारे वेजिटेबल्स के कुकिंग प्रोसीजर बिल्कुल ही सेम है, कुकिंग टाइमिंग सेम है। तो मशरूम हुआ या फिर कैप्सिकम हुआ, ये सब बिल्कुल ही सेम टाइम पे कुक हो जाते हैं। फिर अच्छे से सब्जियों को चला लेंगे हम। और यहाँ मैं 1/2 चम्मच नमक डाल रही हूँ। नमक आपको बिल्कुल ही इसी स्टेज में ऐड करना है, जिसकी वजह से पानी थोड़ा रिलीज़ हो जाता है और कुकिंग थोड़ा जल्दी हो जाता है। अगर आपकी कढ़ाई में चिपक ना रहा हो तो आप हाई फ्लेम पे इसे कुक करें, और अगर आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो तो इसे आप मीडियम फ्लेम पे ही कुक कर लें। और इसे अच्छे से नमक को इसके साथ मिला के, और अब हम इसे ढक के पकाएंगे। इसे अब हम मीडियम फ्लेम पे ही ढक ढक के ही पकाएंगे। 2 से 3 मिनट तक ढक दें, उसके बाद आप इसे फिर से लीड हटाएं और अच्छे से चला चला के ही पका लें। आपको इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना है कि ये चिपके नहीं कढ़ाई में। वैसे तो अगर आप आयरन की कढ़ाई यूज़ करेंगे तो ये बिल्कुल ही नहीं चिपकेगी, और आयरन में जब ये कुक होके आता है तो ये खाने में भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो आप भी कोशिश करें कि आप इसे आयरन के ही कढ़ाई में बनाएँ। और इन केस अगर आपको आयरन की कढ़ाई नहीं पसंद हो तो आप नॉनस्टिक यूज़ कर सकते हैं। यहाँ मैं गरम मसाला ऐड करूँ इस स्टेज पे। यहाँ मेरी सारी सब्जियाँ ही लगभग 50-60% अच्छे से कुक हो चुकी हैं। आपको इसे अच्छे से चलाते हुए भूंज लेना है। आप जब एक बार इसका पानी रिलीज़ हो जाएगा तब आप फ्लेम हाई करके और इसे अच्छे से भूंज लें। जब आपको लगे कि 80% आपकी सारी सब्जियां कुक हो चुकी हैं अच्छे से, तब आप इस स्टेज में टमाटर ऐड कर लें। अगर आपको टमाटर ना पसंद हो तो आप टमाटर ऐड करते के साथ ही मैंने इसे ढक दिया था, और इसे अब लगभग 2 से 3 मिनट ढके मैंने छोड़ दिया था ताकि टमाटर अच्छे से नरम हो जाए। और अब इसे हम चला लेंगे अच्छे से। आपको एक बात अच्छे से देख लेनी है कि आपकी सारी सब्जियां अच्छे से कुक हो चुकी हों, कोई भी चीज़ में कसर ना रह गई हो। जैसे जैसे मैंने सब्जियाँ ऐड की आप भी बिल्कुल वैसे ही ऐड करें।
यहाँ मेरी सब्जी लगभग ही बनके बिल्कुल तैयार है। देखने में ही ये कितनी ज़्यादा डिलीशियस लग रही है, आप एक बार इसे ज़रूर बना के ट्राई करें। ये बहुत ही जल्दी बन के तैयार हो जाती है और खाने में भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है ये। अब मैं इसे सर्व कर लूँगी। आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।